प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत में बनी पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की शुरुआत जयपुर से की। इसे सुबह करीब 11 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। शाम करीब 4 बजे जब वंदे भारत ट्रेन गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तो लोको पायलट का विधायक ही नहीं बल्कि आम जनता ने भी फूल देकर स्वागत किया। यहाँ करीब 2 मिनट तक वंदे भारत का ठहराव रहा। इस दौरान लोगों ने सेमी हाई स्पीड ट्रेन के साथ सेल्फी खींची। कई लोगों ने तो अपने परिचितों को वीडियो कॉल करके इस सेमी हाई स्पीड को दिखाया। वहीं वंदे भारत में सफर करके गुरुग्राम आए लोगों में भी खुशी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि उन्हें बेहद ही गर्व महसूस हो रहा है कि भारत भी इस तरह की सेमी हाई स्पीड ट्रेन चला रही है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं लोगों को मिल रही है। Vande Bharat train is made from India, and I have fun there. So we traveled from Rewari to Gurgaon, and it was wonderful. एक बहुत ही different experience था, और ये first time हम लोग बैठे हैं बच्चों के साथ, so इतनी excitement थी, it was like a festival for us. So and हमने बहुत enjoy किया वहाँ से गुड़गांव तक आने का, and बच्चे बड़े खुश थे क्योंकि हम थोड़े बच्चे लेके आए थे, तो उनकी इतनी एक्साइटमेंट थी, उनका अभी पेरेंट्स से जाके शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में जाके शेयर करेंगे, बहुत ही अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस था। वही वंदे भारत के गुरुग्राम स्टेशन पर पहुंचने पर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला समेत कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने ट्रेन के लोको पायलट और गुरुग्राम स्टेशन पर उतरे यात्रियों का स्वागत किया। ये वंदे भारत जो ट्रेन माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि पूरे देश के अंदर, में कल देख रहा था तिरुपति बालाजी तक भी वहाँ पर, और दिल्ली से चंडीगढ़ भी, अब जयपुर से दिल्ली भी, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फायदा पूरे देशवासियों को इससे मिल रहा है। कई चीज़ ऐसे होती हैं जिसको हमने अपने निजी या क्षेत्र से उठकर देखना पड़ता है, पूरे एरिए के, पूरे प्रदेश के डेवलपमेंट को देखकर उसको देखना होता है। जयपुर से चले और ये इसका अगला स्टॉपेज गुरुग्राम, झुंडसराय, हरसरू और गुड़गावा, तो निश्चित तौर पे गढ़ी हरसरू भी हमारा एक हिस्सा है, और आज ट्रेन यहाँ से गई है, वो कल को समय आएगा, तो जब यहाँ से कोई चीज़ निकलती है तो फिर रुकेगी भी, समय आएगा वो, तो वो धीरे होता है ना, धीरे धीरे सब तो आएगा, क्योंकि चंडीगढ़ के लिए भी पहले शताब्दी थी जो जगह जगह रुकती थी, सबसे फास्ट वही थी, 4 घंटे 3.5-4। अब चंडीगढ़ वाली जो ट्रेन है वो भी शायद एक ही जगह रुकती है, एक या दो, तो वंदे भारत से बहुत बड़ा फायदा है। और जिन लोगों को हमारे यहाँ दूर जाना है, जयपुर जाना है, कहीं भी जाना है, तो निश्चित तौर पे इसका फायदा मिलेगा। दूसरा है कि इलाके से जब कोई चीज़ निकलती है तो इस इलाके की शान भी बढ़ती है। इस अवसर पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को नियंत्रित करने में आरपीएफ और जीआरपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पहली बार गुरुग्राम स्टेशन पर इस ट्रेन के आने से लोगों में सेल्फी लेने और वीडियो बनाने की होड़ लगी हुई थी, जिसे नियंत्रित करना काफी कड़ी चुनौती रही। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।